सो हेलो गाइस, तो आज हम लोग फिर से टेल्स ऑफ डेमन्स एंड गॉड्स के एक और नए पार्ट के साथ आ गए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछला पार्ट देख लिया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि नाइली ढेर सारा स्पिरिट स्टोन बहुत ही आसानी से इकट्ठा कर लेता है, तभी उसके ऊपर किसी पर्सन की अटैक कर दिया था और अब हमारा आज का पार्ट उसी के बाद से शुरू होता है। तो जैसे ये पार्ट शुरू होता है हम देखते हैं कि वो पर्सन नाइली से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारा नाम ही नाइली है, जिस पर नाइली जवाब देता है कि तुम कौन हो। तब नाइली किस बात का जवाब देते हुए वो पर्सन कहता है कि मेरा नाम मुरोन है। उसकी बात सुनकर के नाइली सोचता है कि ये तो रैंक 1 का स्टूडेंट है। तभी हमें एक और स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में स्टोन से भरी हुई बैग लिए हुए होता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर मुरोन, मेरा यहाँ पे अपग्रेडिंग स्वीकार कीजिए। और वो नाइली को देखकर कहता है कि लगता है यहाँ पर अब कुछ नए लोग भी आए हैं, लेकिन वो लोग सीनियर ब्रदर मुरोन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तभी वो स्टूडेंट मुरोन से कहता है कि नाइली ने आपको बेकार आदमी बोला है। इसको सुनकर के नाइली तुरंत सोचता है कि मुरोन समझदार होगा क्योंकि मैंने तो ये बात बोली ही नहीं है। वो आसानी से वो किसी की बात पर भरोसा नहीं यहाँ पे वो करेगा, वह ऐसा सोच ही रहा होता है। वो तभी मुरोन कहता है कि क्या ये सच है और अपनी पावर से नाइली के ऊपर एक स्पेशल स्पेल क्रिएट कर देता है जो कि नाइली को बहुत ज्यादा प्रेशर देकर जमीन पर गिर रहा था। तभी वो स्टूडेंट फिर से कहता है कि सीनियर ब्रदर्स ने ये भी कहा था कि ये आपको जल्दी ही अपने पैरों के नीचे ला देगा। मैंने उसे इस बात पर झगड़ा भी यहाँ पे किया कि तुम सीनियर ब्रदर के बारे में ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और कहा कि मुरोन मेरे सामने नहीं यहाँ पे टिक सकता। ये सब सुनकर के नाइली बहुत मुश्किल से कहता है कि आपको इन सभी से बुनियादी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुरोन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। तब हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट नाइली को देखकर बहुत तेजी से हंसने लगता है और नाइली तब कहता है कि मुझे समझ में आ गया कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम लोग भी उन्हीं लोगों में से हो जो लोग मेरी डेस्टिनी तक पहुंचने में रुकावट बनते हैं। अब मैं तुम लोगों को नहीं सहूंगा। मुरोन ये सब बात सुनकर के कहता है कि तुम्हें लगता है नहीं सुधरोगे, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। तो इतना बोल करके वो मल्टीपल प्लेस अटैक यहाँ पे कर देता है और वो सब अटैक नाइली को लगे इससे पहले नाइली भी अपनी तरफ से उसके अटैक की रेजिस्टेंस में फ्लैश अटैक वहाँ पे वो कर देता है और मुरोन के अटैक को न्यूट्रल करने लगता है। और तभी मुरोन कहता है कि इसके अटैक की रेंज मुझसे बहुत ज्यादा है, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि ये मुझसे ज्यादा डेमन सोल को मार सकता है, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता। इतना कह करके वो एक और फ्लैश अटैक यहाँ पे कर देता है और उससे बचने के लिए नाइली तुरंत एक सिक्योरिटी शील्ड बनाता है, लेकिन वो उस अटैक को पूरी तरीके से नहीं रोक पाता और दूर जाकर के वो पत्थरों के अंदर गिर जाता है। नाइली की ऐसी हालत देख करके मुरोन नाइली के स्टोन उठाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बस इतनी ही थी और तुमने यहाँ पे वो चीटिंग करके जो सारे स्टोन यहाँ पे इकट्ठे किए हैं अभी तुम्हारे नहीं है, अब ये मेरे हो गए हैं। तभी यहाँ पे नाइली वो खड़ा होता है और कुछ कहने ही वाला होता है तो हम देखते हैं कि मुरोन एक अटैक परफॉर्म करने लगता है और वो कहता है कि लगता है तुम्हें सीखना बाकी है, तुम्हें मैंने जो अभी तक टाइम दिया है मैं उसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा। तभी वो अपने अटैक से जहाँ पर नाइली यहाँ पे खड़ा होता है वहां पर हाथ से प्रेस कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वो हाथ वहां से हटता है तो हम देखते हैं कि नाइली वहां पर होता ही नहीं है। तो उस व्यू को देखकर के मुरोन भी कहता है कि कहाँ गया, वो लगता है कि उसे अब कुछ नहीं हुआ। तो क्या उसने अपना स्पीड चेंज यहाँ पे किया, लेकिन एक आदमी दो स्पीड कैसे लेकर चल सकता है, जरूर ही यहाँ पे वो कुछ ना कुछ तो घर पर है, अब मैं तुम्हें ढूंढ कर मारूंगा। उसके बाद मुरोन वहां से उड़कर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि नाइली अपना स्पीड चेंज करके वो छुप रहा होता है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से मुरोन को देखते हैं जो कि एक जगह आकर कहता है कि वो मुझे भाग रहा है, ऐसा लगता है कि उसने किसी स्पेस कॉम्बैट स्किल का प्रयोग किया है। तभी हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट मुरोन के पास आता है और कहता है कि वो बहुत दूर नहीं गया होगा, अगर आप चाहें तो उसे अभी भी चेंज करके आप पकड़ सकते हैं। उसकी बात सुनकर के मुरोन उसकी तरह मुड़ता है और कहता है कि मुझे वो लड़का बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा लगा, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं यहाँ पे कर सकता। इतना कह करके वो उस स्टूडेंट को बहुत तेज से एक पंच मारता है जिससे कि वो स्टूडेंट दूर जाकर गिरता है और वो गुस्से से मुरोन की ओर देखता है और कुछ कहने वाला होता है। तभी मुरोन उसे बहुत तेजी से किक मारता है जिससे कि वो स्टूडेंट दूर जाकर गिरता है। इससे पहले कि वो उठ पाता मुरोन उसके पास आकर उसके फेस पर अपना पाँव रख देता है
और कहता है कि जब आपने से स्ट्रॉन्ग को फेस करो तो रिस्पेक्ट से रहो, समझ में आ गया ना। तब वो स्टूडेंट कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए सीनियर, गलती हो गई मुझसे। जिस पर मुरोन कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो स्टूडेंट को स्टोन बैग उठा लेता है और कहता है कि तुमने इस बार ढेर सारा स्टोन यहाँ पे इकट्ठा किया है। जिस पर स्टूडेंट कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं आपको यहाँ पे मैं हैप्पी कर पाया, मैंने अपनी पूरी पावर लगा के इतना इकट्ठा किया है, इससे आप ले लीजिए। ये सुनकर के मुरोन हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम 3 बार यहाँ पे कुत्ते की तरह आवाज निकालोगे। तो इस पर वो स्टूडेंट उससे बचने के लिए उसकी बात मान लेता है और वो 3 बार वो कुत्ते की आवाज निकालता है। ये सब देख कर के मुरोन बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। तभी हमें नायली को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ये मुरोन प्रीवियस लाइफ के लॉन्ग यूएन से भी यहाँ बहुत ज्यादा बेकार है। अगर मैं वर्चुअल कॉम्बैट टेक्निक यूज नहीं की होती उससे बचने के लिए तो मैं उसके हाथों में यहाँ पे मैं पड़ ही जाता और बहुत कुछ बुरा हो सकता था। मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। इतना कहने के बाद नायली वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मुरोन को पता चल जाता है कि नायली वहाँ से जा रहा है और वो कहता है कि जाओ मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, और ज्यादा से ज्यादा डेमन सोल को यहाँ पे मारो और फिर मैं तुम्हारे पास बाद में आऊंगा। फिर हमें नायली दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से वहां से जा रहा होता है। वो सोचता है कि मैं इतनी देर से जा रहा हूँ लेकिन वो मेरा पीछा नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो ये प्लानिंग कर रहा है कि मैं जब दोबारा से स्टोन यहाँ पे इकट्ठा करूँ वो मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। मैं अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे वीक हो चुका हूँ, अगर मैं स्टोन को इकट्ठा भी यहाँ पे करूँ तो वो मुझसे बहुत आसानी से छीन लेगा, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। इतना कह करके नायली वहां से बाहर आ जाता है और बाहर आकर वो कहता है कि ऐसा लगता है कि ट्रायल खत्म हो गया है लेकिन मैं बिना स्पिरिचुअल स्टोन्स के प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। इतना कह करके नायली वहां से आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि अगर मैं लोगों का इलाज करूंगा और लोगों की डिजीज को ठीक करूंगा तो भी मैं स्पिरिचुअल स्टोन अर्न यहाँ पे कर सकता हूँ। मुझे अपने क्लासमेट से ज्यादा स्ट्रांग बनना ही होगा और डेमन लॉर्ड भी समय के साथ मजबूत होता जा रहा है, तो अब मुझे जल्दी से जल्दी कोई रास्ता निकाल कर अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना होगा, नहीं तो फ्यूचर डेंजर में हो सकता है। अगर मैं स्पिरिचुअल स्टोन को उसे नहीं यूज कर सकता तो ठीक है, अब मैं अपना रास्ता बदल लूंगा और जब तक एकदम इमरजेंसी नहीं आएगी मैं किसी को भी ड्रीम डेमो पोर्ट के बारे में पता नहीं चलने दूंगा। लेकिन अभी के लिए मेरी हेल्प केवल वही यहाँ पे कर सकते हैं। और उसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।